किया कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो मेरा मखौल उड़ता था। यहां तक कि से जहां मंडियालियारी बाक हुई आहारी, अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो एक बड़ी मीठी सी जो है एक लहजा आता है। उस तक का जो है चंडीगढ़ से लेकर जहां भी मैं जब जब गई तो एक ऐसा वक्त था, वो वक्त अलग था। आज वो वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त पे जो है मुझे एक हास्य का पात्र बनाया जाता था। मेरी जुबान का, मेरी अंग्रेजी ना बोलने का, मेरे बाहर से आने का, न जाने कितने तरीके से कहां कहां किस किस के कॉफी काउच में मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और जिस बात का बहिष्कार मैंने समस्त भारत के सामने किया। लेकिन आज जब एक पहाड़ी बेटी को, जब एक पहाड़ी बहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर, एक भावी एमपी बनाकर, एक भविष्य की नेत्री बनाकर, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है, तो उसका जो गौरव है और उनका जो वैभव है वो ऐतिहासिक बन जाता है। इसलिए मैं अपनी सारी मातृशक्ति की तरफ से, अपनी सारी हिमाचल की बेटियों की तरफ से, अपनी सारी बहनों की तरफ से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे लिए वो सौभाग्यशाली दिन है जब प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के गुणगान करना तो यही बात है कि मानो हम सूरज को जो है दीपक दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपकी बेटी, आपकी कंगना, आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि मैं भी मोदी जी की सेना में अब जुड़ चुकी हूं। उनके जो विकास का रथ है, जो विकास की और आधुनिकता की क्रांति उन्होंने समस्त विश्व में, समस्त भारत में जो लाई है, उसमें मैं भी उनकी जो है वो सेना में जुड़ चुकी हूं। उनका हिमाचल में जो है सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन जो है वो मेन एजेंडा है। सड़कों में अगर आप देखें तो एक क्रांति आई है। हमारे जयराम जी ने जो है 5000 किलोमीटर की रोड बनाने का एक ऐतिहासिक जो है वो लैंडमार्क काम किया है। और चाहे वो कीरतपुर मनाली हाईवे हो या जो जितनी भी जो है 1,00,000,000,000 के बजट की जो है सड़कें जो है वो गडकरी जी ने अलॉट की हो, हर तरीके से जो है हिमाचल की कनेक्टिविटी पर हम मोदी जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत काम करेंगे। और जहां तक आधुनिकता की बात है, क्या हम कभी सोच सकते थे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो AAIT, IIM, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान खुलेंगे? हम कभी सोच नहीं सकते थे। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है चाहे वो मुफ्त अनाज हो, चाहे वो आयुष्मान हो, हर स्कीम जो है, जल जीवन मिशन, क्योंकि मैं जिन जिन विधानसभाओं में जाती हूं, अभी ऐसे कुछ गांव हैं जहां पानी की भी दिक्कत है, हर जो है वो स्कीम जो केंद्र की जो है मैं आपकी बेटी आप तक पहुंचाऊंगी। अवश्य ही ये हमारा सौभाग्य है और अधिकतर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जब इस फील्ड में आने का मौका मिला तो ऐसे यशस्वी नेता मुझे मिले जिनके मार्गदर्शन में अवश्य ही मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी और आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। और दूसरा, मेरा ये मानना है कि मेरी हिमाचल की जो जनता है उन्होंने मुझे यहां बुलाया है। उनके प्यार के ने, उनके विश्वास ने और उनकी उम्मीदों ने जो है मुझे आज यहां पर खड़ा किया है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको यह आश्वासन दिलाती हूं कि मैं सदा ही आपके सेवा में, आपके कामों में तत्पर रहूंगी और जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उससे ज्यादा जो है
वो आपके लिए काम करके दिखाऊंगी। और दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब जो हैं मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, तो अब आपको ही मुझे आगे भी लेके जाना है। मैंने अपनी योग्यता के आधार पर 4 बार जो है राष्ट्र पुरस्कार पाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही मुझे राष्ट्र पुरस्कार दिए हैं अपने अपने वक्त में। मैंने पद्मश्री पाया है, और अगर आप मुझे लोकसभा भेजेंगे तो अपने पहले ही साल में मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि मैं बेस्ट सांसद का भी अवार्ड पाऊंगी, और मंडी का ये पहला अवार्ड होगा। तो ऐसा अगर मुझे सौभाग्य मिलेगा, और अगर ऐसा जो है आप मुझे दिल्ली पहुंचाएंगे, तो अवश्य मैं अपनी मंडी, अपनी मातृभूमि का नाम जो है वो रोशन करूंगी।